दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी RCM के बारे में। आखिर क्या कारण है कि RCM भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में गिनी जाती है, और ये कंपनी आखिर इन ऊंचाइयों पर पहुंची कैसे। लगभग 2 दशक पहले इस कंपनी की स्थापना हुई थी और लोगों का इस कंपनी में विश्वास ही RCM की सबसे बड़ी बिजनेस पॉलिसी है। ये कंपनी लोगों का विश्वास इसलिए हासिल कर पा रही है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। RCM सिर्फ प्रोडक्ट सेल करती है और वो भी डायरेक्ट। इससे विज्ञापन व डिलीवरी में खर्च होने वाले रुपए को बचाकर कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों में एक सिस्टम के द्वारा कंपनी वो रुपए बांट देती है। कंपनी ने अपने उत्पादों में दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 400 प्रोडक्ट को शामिल किया है, और ये एक बहुत बड़ी रेंज होती है। ये सभी प्रोडक्ट किसी भी परिवार की एक मुख्य जरूरत भी है। RCM के चेयरमैन श्री TC छाबड़ा कहते हैं कि जब मुझे खुद कुछ महंगा खरीदना पसंद नहीं है तो मैं महंगा बेच कैसे सकता हूँ। इसलिए कंपनी ने उत्पादों के लिए 4 नियम बना रखे हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट उपयोगी होंगे। सेकंड, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे। थर्ड, क्वालिटी नंबर 1 होगी। और फोर्थ, रेट बहुत ही रीजनेबल होगी। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि RCM में इतने प्रोडक्ट हैं कि किसी भी परिवार की सभी जरूरतों को सभी प्रोडक्ट पूरी कर सकते हैं। उस परिवार को कोई भी सामान किसी अन्य दुकान से या कंपनी से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए जब आदमी RCM से जुड़ता है तो सभी सामान RCM से ही खरीदता है, और ये सभी सामान एक ही स्टोर पर मिल जाते हैं। सामान भी सस्ते और क्वालिटी भी अच्छी, वक्त और पैसा दोनों बचता है। इसलिए RCM से जुड़ने वाला हर व्यक्ति या परिवार कंपनी से हमेशा खुश ही रहता है और इसकी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाता है, जिससे उस आदमी को भी इनकम होती है और उसके परिवार को भी। और इसी तरह RCM दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। दोस्तों, RCM से जुड़कर लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। कैसे और RCM का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।